जब्त कर देते थे, किसी की प्रॉपर्टी कब्जा कर देते थे, भय का आतंक का माहौल बना रखा था, रजिस्टर्ड माफिया गिरोह उत्तर प्रदेश में थे। आज मैं दावे के साथ कह सकता हूं एक भी माफिया गिरोह उत्तर प्रदेश में सक्रिय नहीं है, या तो वो जेल में है या प्रदेश के बाहर है। पता लगाते थे कोई प्लाट मकान दुकान चौराहे पर पड़ा है, खेत कोई खाली पड़ा है तो नारा लगाते थे, समाजवादी पार्टी का नारा है खाली प्लाट हमारा है, कब्जा कर लेते थे, झंडा लगा करते। इटावा मैनपुरी में जाकर के आप देखिए, अपराध को वहां पकड़ बोलते हैं, व्यापारी के बच्चों को, उद्योग लगाने वालों के बच्चों को उठा करके ले जाते थे और सरकार में बैठे मंत्री उन अपहरणकर्ताओं के समर्थन में थाने में फोन करके उसको छुड़वाने का काम करते। जो पूर्व में हमने पुरातन काल में पुराणों में वेदों में पढ़ा है सुना है उसी ढंग से लग रहा है। एक तरफ आतताई है, एक तरफ कानून व्यवस्था से खिलवाड़ करने वाले लोग हैं और एक तरफ भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो प्रदेश में कर रही है, हर स्थिति में प्रदेश के हर नागरिक को भयमुक्त वातावरण देना, प्रदेश के विकास को नंबर एक पर ले जाना और प्रदेश को आर्थिक विकास को नंबर एक पर ले जाना हमारा लक्ष्य है। हम प्रदेश के चतुर्मुखी विकास की ओर, मैं कह सकता हूं कि उत्तर प्रदेश के लिए स्वर्णिम काल है। इस युग में उत्तर प्रदेश देश का आर्थिक मोर्चे पर नंबर एक का राज्य शीघ्र ही बन जाएगा, आप आने वाले कुछ समय के बाद देख पाएंगे।